देखिए आज हम आपको चोलाई के लड्डू बनाकर दिखाएंगे सिर्फ दो चीजों से। बहुत अच्छे बनते हैं ये, देखिए कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, कंसल रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको व्रत के चोलाई के लड्डू बनाकर दिखाएंगे। ये नवरात्र स्पेशल है। देखिए हमने आधा किलो चोलाई ले ली है, ये हमने भुनी भुनाई ली है। अगर कच्ची आती है, बारीक बारीक आती है, बिल्कुल राई के दाने जैसे पीले रंग की, उसे कपड़े से थोड़ा थोड़ा करके भूनते हैं। ये हमने भुनी भी ली है, देखिए कितनी सफ़ेद भुनी हुई है। ये हमने आधा किलो चुलाई है हमारी, ये आधा किलो हमारा गुड़ है। हमने दोनों चीज़ बराबर ली है। अब हम इस चुलाई को छानेंगे। देखिए हम चुलाई को छान लेंगे, इसमें कोई रेत वगैरह है या कुछ भी है वो सब निकल जाएगा बाहर, नहीं तो किरकल भी हो सकती है क्योंकि बाजार की भुनी हुई है। अगर आप छान के बनाएंगे तो सही बनेगी आपको। देखिए कितना बारीक बारीक सा रेत निकल रहा है, ये सब हम निकाल देंगे। अब हम सारी चोलाई को छान लेंगे। देखिए हमने सारी चोलाई छान ली है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना सा हमारा खराब चीज़ निकली है, ये कितना खराब रेत सा और नीचे का निकला है, ये सब बेकार है। अगर आप छानोगे नहीं तो इस तरह से आपका सब लड्डू बना जाएगा। छानना आपको जरूरी है, रेत वेत सब निकल जाएगा उसमें। हमारी चोलाई छन गई है, ये हमने गुड़ को थोड़ा सा फोड़ लिया है, देख सकते हैं। अब हम एक कटोरी पानी डालेंगे कढ़ाई में अपनी। हमने कढ़ाई रख देंगे गैस पर, एक कटोरी पानी डाल देंगे और ये थोड़ा गर्म होने पे हम इसमें गुड़ डालेंगे। अब हम गर्म पानी हो गया हमारे, ये गुड़ डाल देंगे उसमें और अपने गुड़ को घोल लेंगे हम पानी में। देखिए हमारे गुड़ में उबाल आ गया है, हम थोड़ा सा और पकाएंगे इसे जब तक एक तार की चाशनी आएगी। बस हमें एक तार की चाशनी बनानी है। देखिए कितने अच्छे से गुड़ में उबाल आ रहे हैं, कितना अच्छा कलर आ गया गुड़ को। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं गुड़ के लड्डू, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए हमारी चाशनी अच्छे से पक गई है, देखिए आप देख सकते हैं हमारा एक तार बन रहा है इसमें। हमारी चाशनी तैयार हो गई है बिल्कुल। देखिए पानी में डाल के देखिए, हाँ देखिए हमने ये देखो बनने लगी है हमारी, देखो इस तरह की चाहिए बिल्कुल हमें चाशनी। अब गैस बंद कर देंगे, हमारी चाशनी गुड़ बनकर तैयार हो गई है, गुड़ सब मेल्ट होकर चाशनी बन गई है बिल्कुल। अब हम इसके लड्डू बना के दिखाएंगे आपको। देखिए अब हम गुड़ को छानेंगे, हम चोलाई में गुड़ को छान के डालेंगे, जो भी इसमें कंकर है जो भी चीज़ें सब निकल जाएगी। गुड़ को छानना भी ज़रूरी है। देखिए हमने अपनी चाशनी को छान लिया है, देख सकते हैं आप कितने काले काले तिनके से और ये आए हैं सब, ये सब खराब है। अगर आप ऐसे डाल दोगे तो सब इसमें आ जाएंगे, छानना ज़रूरी है। अब हम इन्हें आपस में मिक्स करेंगे, अब हम गुड़ को और चोलाई को आपस में मिक्स कर लेंगे क्योंकि बहुत गर्म है, तो इसलिए हाथ को बचा कर हाथ से नहीं करना, आप पलटी का इस्तेमाल ले सकते हैं। देखिए चाशनी में हमने सारे गुड़ की चोलाई को मेल्ट कर लिया है, सारे में मिला लिया है पलटे से, ये गर्म बहुत है। देखिए अच्छे से मिल गई है हमारी चोलाई। हम इसके लड्डू बांधने शुरू करेंगे। देखिए हमारे सबने मिक्स कर लिया है। देखिए कटोरी में पानी ले लेंगे और इस पर हाथों पर हल्का सा पानी लगा लेंगे इस तरह से, नहीं तो हाथों पर आपके गुड़ चिपकेगा और आप किसी भी साइज़ के लड्डू बना सकते हैं, छोटे चाहे छोटे बड़े चाहे बड़े बना सकते हैं। इस तरह से हम सारे लड्डू को बांधेंगे एक एक करके, और आपको ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बांधने हैं, ये बहुत हल्के हल्के फोके फोके हाथ से बांधने हैं क्योंकि देखिए तो लड्डू टाइट हो जाएगा आपका अगर केड़े हाथ से बांधेंगे तो। देखिए कितना अच्छा लड्डू बन के तैयार हो गए हैं हमारे, देखिए देख सकते हैं आप इक्वल लड्डू बने हैं बिल्कुल, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, आप कोई से भी साइज ले सकते हैं जैसे आपके बच्चों को पसंद हो उसके। देखिए कितने अच्छे लड्डू बन के हमारे तैयार हो गए हैं, हमने सभी लड्डू को इस तरह से बांध लेंगे। देखिए कितने सारे लड्डू बन गए हमारे, आधा किलो में आधा किलो चोलाई के थे हमारे, ये व्रत में
बहुत अच्छे लगते हैं। आप इन्हें दूध से, चाय से, किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसमें बहुत कैल्शियम होता है, खाने में बहुत फ़ायदेमंद होती है, इससे पेट भी साफ रहता है। देखिए हमारे सारे बन के लड्डू तैयार हो गए हैं। कितने अच्छे लड्डू बने हैं चौलाई के हमारे, आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी आप भी बनाइएगा इसी तरह से और खाइएगा नवरात्र स्पेशल। नवरात्र में आप दूध से, चाय से, किसी साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छे लड्डू लगते हैं खाने में, बच्चों को भी बड़ों को भी। हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।